लखीमपुर खीरी कांड को लेकर गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि केंद्र सरकार को SIT की रिपोर्ट के बाद अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का राहुल गांधी ने भी जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा एक क्रिमिनल है और उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सरकार को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, हमें लखीमपुर के उस कांड के बारे में बोलने का मौका मिलना चाहिए जिसमें हत्याएं की गई हैं। उस घटना में मंत्री की भी संलिप्तता रही है। उस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक साजिश थी। जिस मंत्री ने किसानों को मारा है उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बीच खबर है कि अजय मिश्रा गृह मंत्रालय के अपने दफ्तर में मौजूद है और विभाग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि BJP अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, मतलब अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नहीं हटाया जाएगा। BJP नेतृत्व का मानना है कि SIT की रिपोर्ट अंतिम नहीं है और अदालत में भी मामले की सुनवाई चल रही है। नेतृत्व का मानना है कि बेटे की करतूतों की सजा पिता को नहीं दी जा सकती। हालांकि पत्रकारों के साथ अजय मिश्रा के बर्ताव को गलत माना गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे ऐसी घटना ना हो।